बदनावर विधानसभा के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह, दंतीगांव के समर्थक हेमंत नाकोनदांगी के विरुद्ध आईटी सेल, विधानसभा अध्यक्ष एवं सोशल मीडिया विनोद राठौर ने एक आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। उल्लेखनीय है कि विधायक राजवर्धन सिंह, दंतीगांव समर्थक हेमंत नाकोनदांगी के द्वारा एक दिन पूर्व फेसबुक पर एक लेख लिखा था, जिसमें गंदवानी विधायक व मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उक्त घटना को लेकर गंदवानी विधानसभा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है। वहीं गंदवानी थाने में विनोद राठौर के आवेदन पर हेमंत नाकोनदांगी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मौके पर गंदवानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल सिंह, सोशल मीडिया ब्लॉक अध्यक्ष विनोद राठौर, किसान कांग्रेस अध्यक्ष आशिक खान, देवेंद्र शर्मा, जगदीश मालवीय, सोनू गुप्ता, लखन काग आदि मौजूद रहे। कल समथिंग 1 बजे के समथिंग एक फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जो हेमंत करके सदार राजगढ़ सदारपुर के रहने वाले हैं, उनने मान्य हमारे विधायक जी के उस पर कुछ टिप्पणी की थी। उसको लेकर हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आहत होती, उसको लेकर हम तो थाने पहुंचे और उस पर मामला दर्ज करवाया है। हमारे गंदवानी के जननायक उमंग जी सिंगार के खिलाफ भाजपा समर्थक ने अर्नगल और बेबुनियाद और ओछी टिप्पणी की है, जो गरिमामयी नहीं है। इससे हम लोगों को आहत हुई और गंदवानी विधानसभा की जनता भी आहत हुई है, उनके खिलाफ FIR करवाने आए। कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोई आवेदन दिया, सर क्या कुछ मामला था? कार्यकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर जो कार्रवाई बनती है विधि संगत, वो कार्रवाई की जाएगी। धार गंदवानी से UD News के लिए मोहित पांडे की रिपोर्ट।